हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक नया बैग लेके आई हूँ और ये है हमारा बैग पैक। इसको हम लोग पिट्ठू बैग भी कहते हैं, लेकिन ये कुछ अलग स्टाइल से बना है और इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। इसमें ये आप हैंडल देख रहे होंगे और उसमें पीछे कंधे पे लटकाने के लिए बेल्ट भी दी है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको। ये बैग कुछ इस तरह से तैयार किया गया है पूरा। इसमें चार पॉकेट हैं, 1 2, और इसके बाद ये बैग हमारा कुछ इस तरह से खुलेगा। ये आएगा हमारा 3, और ये बड़ी पॉकेट हमारी आएगी 4 पॉकेट। इस तरह से ये हमारा पूरा बैग तैयार होगा। और इसको जो आप हैंडल देख रहे हैं, इसको पकड़ने का स्टाइल यही है कि जब हम इसको लेंगे तो ये इसको साथ में ऐसे कैरी कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से पकड़ में आएगा। साइड में हमने 2 बॉटल या मैगजीन वगैरह रखने के लिए भी पॉकेट दिए हैं। और इस ये जो हमने पीछे पॉकेट दिखाई दे रही हैं आपको, इसकी खास बात ये है कि ये जो पॉकेट है हमारी, ये खुलेगी तो ये यहाँ तक आएगी पूरी। ये जो इसकी पूरी लंबाई है यहाँ तक आएगी, और इस पॉकेट की जो ये अंदर से भी है, लेकिन ये हमारी छोटी पॉकेट आएगी। और ये जो फुल पॉकेट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये भी हमारी फुल पॉकेट है, पूरी अंदर तक यहाँ तक जाएगी, पूरा यहाँ पर भी इसमें स्पेस है। और ये जो मेन बैग है हमारा, ये इसका यहाँ पर लुक आएगा। तो इस तरह से ये हमने बैग बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। और ये कंधे पे कुछ इस तरह से लिया जाएगा। आज का बैग बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 14 इंच बाय 16 इंच के 2 पीस क्विल्टर, जो मैंने इस तरह से लिए हैं। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। इसके बाद 6 बाय 14 इंच के 3 पीस क्विल्टर, जो हमने बैग के कलर के साथ लिए हैं 3 पीस। फिर हमें चाहिए 6 बाय 34 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, जिससे हमारी साइड वॉल तैयार होगी इस तरह से। इसके बाद हमें चाहिए 10 बाय 14 इंच के 2 पीस फैब्रिक, जो हमारे इस तरह से होंगे, जो अंदर लाइनिंग के काम आएंगे। फिर हमें चाहिए 8 बाय 11 इंच के 2 पीस फैब्रिक, जो मैंने इस तरह से लिए हैं, लेकिन इनमें मैंने इलास्टिक लगा दी है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है इलास्टिक 5 इंच की 2। तो ये जो हमारा पीस है 8 बाई 11 का 2 पीस, ये है, और इसमें मैंने इलास्टिक ऑलरेडी डाल दी है। फिर हमें चाहिए 14 इंच बाई 16 इंच का 1 पीस फैब्रिक, जो हमारी लाइनिंग का काम करेगा इस तरह से। फिर हमें चाहिए जिप 14 इंच की 1, 7 इंच की 3, और रनर ऑप्शनल है। अगर आपको डबल डालना है तो 10 पीस लगेंगे, नहीं तो 5 पीस लगेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है बेल्ट 40 इंच की 2, जो और इसके बाद लिखा है डी लूप 2, बक्कल 2। तो मैंने बक्कल डाल करके 40 इंच की बेल्ट में इस 4 इंच के डी लूप के साथ, ये जो यहाँ पे लिखा है फैब्रिक लूप 4 इंच 2, तो ये 4 इंच के 2 पीस हैं मेरे, सॉरी इधर ये, और इनमें डी लूप डाल करके 40 इंच की जो बेल्ट थी हमारी, उसको हमने इस बकल में डाल के इसको कंप्लीट कर दिया है। और हैंडल चाहिए होगा एक इस तरह से, जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि हैंडल कैसे बनाना है। तो इसी कपड़े का मैंने इस्तेमाल किया है, और अंदर जो केबल वायर आता है हैंडल बनाने का, या आप केबल वायर ही ले सकती हैं, उसको कवर करके इसको हैंडल बनाया गया है। ये हमें 1 पीस में चाहिए होगा। तो आज हम मेरे बैग के सामान के लिए इतना ही सामान चाहिए होगा, और बैग बनाने के लिए इतना ही सामान चाहिए होगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये प्रिंटेड कपड़ा अलग से चाहिए होगा, जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करें। हम जिप लगाने से तैयारी की शुरुआत करेंगे। तो ये तो हम बना ही चुके थे, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये हमने 40 इंच की बेल्ट में डी लूप, और ये बक्कल डी लूप तो 4 इंच लूप में, फैब्रिक लूप में लगाया है, और ये 40 इंच में
मक्का लगा दिया है। दोनों बेल्ट हमारी तैयार हो चुकी हैं और जो हमारा 8x11 इंच का पीस था उसमें हमने इलास्टिक लगा दी 5 इंच की 2 इस तरह से, दो ये हमारी पॉकेट में लगेंगी। तो ये इतना तो हमारा तैयार है। अब हमें ज़िप लगानी है। ज़िप लगाने के लिए हम 6x14 इंच के 2 पीस लेंगे और ये एक 14x16 इंच का पीस लेंगे। अब इनको लगाना कैसे है, सबसे पहले हम जो सबसे सरल है वो लगाते हैं। जो 6x14 इंच का एक पीस है उसको लेंगे, उसको 14 इंच के एरिया में इधर 6 इंच से 3 इंच इधर 3 इंच करके हाफ इंच का निशान इधर सॉरी हाफ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको कट करेंगे। कट करके इसमें ज़िप लगाएंगे। इसको तैयार करने के बाद अब हम दूसरा 6x14 इंच का पीस लेंगे और इसमें जो निशान लगाना हमें, जो आप देख रहे हैं इसको, यहाँ से हमने 7 इंच पर ये हमने निशान लिया है और 3 इंच डाउन जा कर के इसको हाफ़ कर लिया, यानी कि 6 को यहाँ से 3 इंच इधर 3 इंच हाफ़ कर लिया है और फिर इसी सेंटर से हमने निशान इधर 3 इंच इधर लगाया है, 3 इंच इधर लगाया है। तो ये टोटल हमारा 6 इंच हो गया। 6 इंच की पॉकेट बनाने के लिए हमने 7 इंच की ज़िप ली है। तो हमें ये 3 बनानी है, लेकिन हम अभी हम पहली बना रहे हैं और इसके लिए हम ये कपड़ा लेंगे और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ इसमें हम पाइपिंग का लुक देंगे, क्योंकि इसी प्रिंट का हमारा मेन पार्ट है और साइड में जो इलास्टिक वाला पीस है। अब इसको हम यहाँ पे पलटेंगे, जस्ट हाफ में रखेंगे इस तरह से और निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान है और ये सेंटर है। अब इसके किनारे किनारे हम सिलाई करते हैं। इसमें हम पिन लगा देंगे जिससे कि हमें यहाँ का जो पाइपिंग का लुक है वो बराबर दिखाई दे। इस तरह से अंदर पलटते हुए और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से पतली लुकिंग आनी चाहिए इसकी, पाइपिंग की तरह से। बहुत सफाई के साथ इसको अब हम सिलाई करेंगे, ऊपर से ही सिलाई कर देंगे। ये हमारा पाइपिंग का लुक इस तरह से सफाई के साथ आ जाएगा और ये पीछे इस तरह से पलट जाएगा। अब इसमें हम जिप लेंगे और पहले रनर डाल देंगे। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब ये हमारा 6 इंच का एरिया है, 7 इंच की हमारी जिप है, तो हाफ एंड हाफ इधर रखेंगे, ऐसे पिन लगा देंगे, हाफ इंच इधर निकाल के इधर से ये पिन लगा देंगे इस तरह से और ये हमारी सिर्फ बीच में आ जाएगी। अब हमें इसको सिल देना है।
इसको लगाने के बाद इसके बाद हम अगला पीस लेंगे 14x16 का। इसमें भी हमें कुछ निशान लगाना है, तो इसमें जो निशान लगाना है तो ये हमारा जो 16 इंच का एरिया है ऊपर से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमने 6 इंच पर निशान लगाया है और सेम प्रोसीजर यहाँ भी करेंगे। ये हमने सेंटर निकाला 7 इंच पर, 3 इंच डाउन आकर के यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाया। अब इसमें हम जिप लगाएंगे, फिर इस 6 इंच के निशान के नीचे हम ये 4 इंच डाउन आएंगे। ध्यान रखिएगा ऊपर हमारा 3 इंच पर है क्योंकि ये हमारा 6 इंच का एरिया है। इसके बाद ये जो 10 इंच का एरिया हमारा बच रहा है यहाँ से हम 4 इंच डाउन आएंगे, ये हमारा 4 इंच है और यहाँ पर भी हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। तो चलिए जैसे उसमें जिप लगाई थी इसमें भी सेम प्रोसीजर में हम कपड़ा लगा करके और जिप लगा देंगे। इसमें भी हमारी दोनों जिप लग गई हैं। अब हमें ये जो पीस है जिसमें भी हमने जिप लगाया है इसको पीछे साइड से इधर 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। जो ये 6 इंच वाला था वो यहाँ पर हमने मार्जिन कर दिया है। तो ये 6 इंच निकल जाने के बाद ऊपर का ये हमारे पास 10 इंच बचता है। तो जो 10x14 का जो दूसरा पीस था हमारे पास लाइनिंग का, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, उसी लाइनिंग पर बिल्कुल बराबर से लगा देंगे। और इसको यहाँ से लगाते हुए चारों तरफ से पैक कर देंगे। और अब इसके साथ ही इसके जो ऊपर ये वाली जिप है इसके साथ हम ये जो 16x14 का हमने पीस लिया था इसको पूरा लगा देंगे। इस तरह से इसको पूरा कवर कर देना है। ये हमारा पीस इस तरह से तैयार हो गया। इसमें हमें एक सेपरेट पॉकेट यहाँ मिल गई, ये कुल अलग है और ये जो ऊपर वाली पॉकेट है ये हमारी पूरी बड़ी पॉकेट है। इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया। ये दोनों पॉकेट तैयार होने के बाद अब इसमें हम ये जो हमारी हैंडल है हमारा इसको जोड़ेंगे और ये जो हमारा सेंटर आया था और ये जो 6 इंच का एरिया आया था इसी 6 इंच के एरिया पर इसे हमें इस तरह से रख के सिल देना है। यहाँ भी हम निशान लगा के ही काम करेंगे। ये 6 इंच आया और ये 6 इंच आया, तो इस बेल्ट को इस तरह से रख के सिलना है। और इसके साथ ही ये जो सेंटर है हमारा 7 इंच का, ये जो डी लूप है इसको हम दोनों डी लूप को यहाँ पर रख के सिल देंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बक्कल है ये हमारी सीधी होनी चाहिए और दोनों डी लूप को हम यहाँ जो दिखा देती हूँ आपको, ये जो हमने सेंटर निकाला था 7 इंच पे यहाँ से यहाँ, तो उसके बस सेंटर पे रख के इसको सिल देना है। लेकिन सिलते समय ये जो बक्कल है हमारी ये ऊपर होनी चाहिए, इस तरह से सीधी होनी चाहिए और हैंडल पे 2-3 बार मशीन चलानी है। इसी तरह बक्कल पे भी, जो बक्कल वाला लूप है उस पर भी हम 2-3 मशीन चलाएंगे।
और यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ये जो कपड़े के हैंडल में हमने वायर डाला है तो इसमें करीब 1.5 इंच यहाँ पर वायर दोनों तरफ नहीं है, जिसमें कि हमको सिलाई करने में आसानी रहे। तो ये हमारा बैक साइड का तैयार हो गया है। 6x34 इंच का जो पीस है उसको लेंगे, और इधर हमने ये 10 इंच का निशान लगाया है, ये बीच में 14 इंच है और फिर इधर 10 इंच है। तो ये जो हमने इलास्टिक वाले पीस तैयार किए थे इनको लेंगे दोनों पीस, और इसको अब हम लगा देंगे। इलास्टिक का जो सिरा है वो 10 इंच के इस तरफ आना चाहिए। देखिए ये हमारी पॉकेट इस तरह तैयार हो गई। सेम प्रोसीजर में इस तरफ की भी हम इस तरह से तैयार करेंगे। और अब इसमें जो हमने 6x14 इंच के पीस में जो जिप लगाई थी, लंबी वाली 14 इंच की जो जिप लगाई थी, उसको हम जोड़ देंगे। ये हमारा जिप का हिस्सा है, इसको यहाँ पर जोड़ के तैयार कर देंगे। ये हमारे चारों तरफ की साइड वॉल तैयार हो गई। और ये जो हमने पॉकेट बनाई थी इलास्टिक डाल के, ये इसका जो मुंह है ये इधर जिप की तरफ आ गया है। अब हम यहाँ पर ये जो हमने बक्कल का पीस जोड़ा था, ये बताना भूल गई थी कि ये जो पीस है हमारा ये यहाँ पर इस तरह से लगेगा। ये बक्कल का हिस्सा इधर से आ रहा है, ऊपर से हमने डी लूप के साथ जोड़ा, तो ये जो हमारा आखिरी सिरा है बेल्ट का, उसको हमें सिंपल यहाँ ला करके इस तरह से सिल देना है। करीब 1/2 इंच ऊपर लेकर के सिलना है। बक्कल वाली बेल्ट नीचे जोड़ने के बाद हमारे पास अभी 1x6x14 इंच का जो बचा है उसको हम लेंगे और यहाँ पर उल्टा रखेंगे। ये जिधर से हमने शुरुआत की थी, जिधर हैंडल लगा है वहाँ पर इस तरह से रखते हुए, और इसको यहाँ से 6x14 और ये 6 कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर आते समय हल्का सा गोल कर देंगे ऊपर किस तरफ दोनों कोनों में, इस तरह से हल्का सा गोल करना है। अब हम इसको पलट देंगे। ये हमारा ऊपर का शेप तैयार हो गया है। अब ये जो हमने जिप लगाई थी और साइड वॉल तैयार की है, इसको लेंगे और जो जिप का हिस्सा है, ये हमारा जिप का हिस्सा है, इस 14 इंच जो हमने अभी जोड़ा है इसके साथ इसको हम इधर सिलेंगे इस तरह से, और ये पूरी वॉल को इसके साथ जोड़ते हुए ले आएंगे। इस तरह से हमें इसको सिलना है। ये पीस नहीं सिला जाएगा, केवल ये पीस सिला जाएगा।
जब बॉटम की तरफ आएंगे तो जितने भी हैंडल बक्कल हैं ये सब इधर से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा पीस कुछ इस तरह से तैयार होगा। ये देखिए ये हमारी साइड वॉल लग गई है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा आ गया और मेन बैग हमारा ये 10x14 इंच का बनेगा। अब हमने जो पहले अपने 6x14 इंच में जो जिप लगाई थी उसमें हम ये 10x14 इंच का जो पीस है इसको जोड़ेंगे और इसको हम इस तरफ से जोड़ेंगे। ये जो सिलाई है हमारी दोनों की सीधी आनी चाहिए। इस तरह से जोड़ने के बाद अब ये जो हमारे पास प्रिंटेड पीस है इसको लेंगे और इसको भी सेम प्रोसीजर में जोड़ देंगे। और ये वाला जो हिस्सा है इसमें जो लाइनिंग लगाई है इसको अभी हमें नहीं सिलना है, बस ये जो 6 इंच है इसको इधर जोड़ेंगे, ये 14 जोड़ेंगे और ये 6 जोड़ेंगे और इसमें भी हल्का सा उतना ही कर देंगे जितना कि हमने इस पीस में दिया था। इसको भी सीधा करेंगे कुछ इस तरह से बाहर निकल आएगा और अब इसको भी सेम प्रोसीजर में जोड़ेंगे और इसको हमें पूरा अंदर करना होगा इस तरह से। पूरा अंदर कर दीजिए पूरा बैग और ये हमारा जिप का हिस्सा है। अब इसको पकड़ते हुए ये दोनों, ये हमारा जिप है ऊपर की और ये ऊपर की जिप है, अभी हमने इसको सिला नहीं है, तो ये जो 14 इंच का हिस्सा है इसको जोड़ेंगे और इसको नहीं जोड़ेंगे, ये ऐसे खाली रहेगा क्योंकि ये चीज़ हमने उसमें जोड़ी है। और इनको जोड़ते हुए और जब हम इधर आएंगे तब इसके साथ इसको भी जोड़ेंगे। क्लियर हो गया होगा। जब अभी इसको यहाँ पे इसलिए नहीं सिल रहा है क्योंकि इसको सिलने में ये तनेगा कपड़ा, तो जब ये तनेगा तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए इसको नहीं जोड़ा गया है। ये 14 इंच की जिप जो ये अंदर की है और ये एक दोनों को हम मिला के यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, उसके बाद ये इसकी साइड वॉल और ये तीनों को मिला के हमें सिलना है। अब यहाँ से हमें लाइनिंग, प्रिंटेड कपड़ा और ये साइड वॉल एक साथ सिलना है। अंदर जो बेल्ट हैं, हैंडल है, सबको अंदर करते हुए लाइनिंग, प्रिंटेड कपड़ा, बॉटम एक साथ। ये हमारा इस तरह से जुड़ गया है, अब इसको हम सीधा करेंगे। और ये बैग हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। ये देखिए ये इसका ऊपर का हिस्सा है और ये जो हमने लाइनिंग के साथ ये अलग हमारी लाइनिंग जो हमने अभी लास्ट में जोड़ा है, ये यहाँ पर हमारी पूरी एक सेपरेट पॉकेट तैयार हो गई है, इस साइड हो जाएगी। ये अंदर की तरफ से पूरी सेपरेट पॉकेट है, सामने हमने कोई कट नहीं दिया है,
केवल प्रिंट दी है और इस प्रिंट के साथ इसको यहाँ पर मैचिंग किया है। ये हमारा पीछे बक्कल और ये हो गया और दो पॉकेट ये हो गए, तो टोटल हमें मिल गई 4 पॉकेट, 1, 2, 3 और ये बिग पॉकेट 4। बैक तो हमारा कंप्लीट हो गया और इसमें अभी हमें पतली जो सिलाई हम देते हैं उसकी फिनिशिंग बाकी है, लेकिन यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है और मैं उसको आपके सामने ही भूल सुधार करके भी दिखाऊंगी। वो करना क्या था कि ये जो बेल्ट है हमारी, जो डी लूप है, ये यहाँ ना लगा करके इसमें लगाना था, ये यहाँ सेंटर निकाल करके यहाँ पर हमें लगाना था। हैंडल इसमें रहेगा, खाली ये जो लूप है डी लूप जो जिसमें हमारी ये पूरी बेल्ट लगी है, यहाँ से निकाल के यहाँ लगानी है। बाकी जो ये नीचे लगा है ये अपना राइट साइड लगा है, तो इसको कैसे सुधार करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहीं से हम इसको थोड़ा सा सिलाई खोल के इसको हम बाहर निकालेंगे और इसको हम ठीक करेंगे। ये जो दो लूप गलती से यहाँ लग गए थे ये हमने बस इतना पार्ट खोल के इसको उधेड़ के निकाल लिया है और इस वाले जो प्रिंट वाला हिस्सा था इसको भी हमने यहाँ पर इतना उधेड़ लिया है। अब मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगी आपको। ये लूप वाले हिस्से खोलने के बाद हम यहाँ पर हमको ये 6x14 इंच के एरिए में फिनिशिंग जो देनी थी, तो पहले हम यहाँ पर फिनिशिंग देते हुए सेंटर में आएंगे जहाँ पर ये हमने खोला है। पहले हम फिनिशिंग का जो बारीक सिलाई है उसको करेंगे और ये जहाँ पर ये पीस खुला हुआ है यहाँ अभी मशीन रोक देंगे और ये जो दोनों हमारी बेल्ट हैं ये इसको ऐसे सीधा रखना है। ये बक्कल हमारे ऊपर दिखने चाहिए इस तरह से और ये दोनों जो है, अब ये जो हमने हैंडल लगाया है इसके अंदर से लाना है। अंदर से लाएंगे, इसको यहाँ पलट देंगे ताकि सिलने में आसान हो जाए और इन दोनों को हमें इस तरह से, ये इस तरह से आएगा और इसको हमें यहाँ पर लगाना है जो ये खुला वाला एरिया है और ये हमने सेंटर निकाला हुआ है, तो यहाँ पर एक सेंटर के उधर रहेगा, इस तरफ वाला जो बेल्ट है सेंटर के इधर रहेगा और दूसरा इधर रहेगा। दोनों को लगा करके और जो डी लूप हैं ये हमारे बराबर आने चाहिए और इसको हमें सिल देना है। और अब पूरी बारीक सिलाई, ये बेल्ट हटाते हुए पूरी बारीक सिलाई दे देंगे और यहाँ पर जहाँ ये हमने बक्कल जोड़ी है, अरे सॉरी ये डी लूप जोड़ा है, यहाँ पर हमने डबल मशीन चलाई है। और ये हमारा अब बैग फुल कंप्लीट हो गया है। गलती थोड़ी बड़ी थी लेकिन मैंने सुधार कर दिया, बता भी दिया। और इसकी फिनिशिंग देने के बाद हमारे पास जो हमने ये दूसरा पीस भी उधेड़ा था, ये वाला जहाँ से हमने डी लूप निकाला था, इसको भी हम फिनिशिंग देंगे। और ये हमारा बैग तैयार हो गया, हमारी पूरी भूल सुधार इसमें हो गई और ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे उधेड़ा था। ये देखिए आपको, और इसको पकड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको भी डिस्प्ले करके बताती हूँ। इस बैग को जब हम कंधे पे लेंगे तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से, लेकिन जब हमें हाथ से कैरी करना होगा तो हमें ये जो हमने हैंडल लगाया था इस तरफ, ये हैंडल और इसको एक साथ ऐसे पकड़ना होगा। तो ये इस बैग का आइडिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।